हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार जैन, CAMK जैन फ्रॉम mycareer.com, आपका स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है दो टूक। दो टूक हमने इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट है, सर आप सीधा सीधा कम शब्दों में हमारे कुछ खास खास प्रश्नों का जवाब दिया करें जिससे हम फटाफट बात को समझ पाए। और आज का प्रश्न क्या है बताइए, बच्चों की रिक्वेस्ट पे आज का प्रश्न है, सीएम में किन को करना चाहिए और सीएम में के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि सीएम में किसको करना चाहिए और क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं। बेटा, जब भी सीएम में का प्रश्न उठता है तो सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चे छूटते ही पूछते हैं कि सर सीएम में करें या सीए करें। सर सीएम में और सीए में क्या डिफरेंस है, सर कौन सा कोर्स बेटर है, सर क्या बढ़िया है। तो बेटा इसको लेके डिफरेंट ओपिनियन है। मैं खुद सीएम में भी हूं और सीए भी हूं, दोनों में मैं नॉर्थ इंडिया टॉपर था, तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी एक चीज में एडवांटेज थी। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि जो ये मैं आपको प्रेजेंटेशन दूं इसमें हर बात को खुल के बताऊं। देखिए, मोटा मोटा अगर हम बात करें, सीएम में और सीए दोनों इक्वली गुड, मोटा मोटा बात करें, और दोनों का कोर्स लगभग सेम है। पर यहां थोड़ा सा एक गड़बड़ विषय है कि अगर हम बात करें दो सेक्टर्स की, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें सीए की ज्यादा वैल्यू होती है और पब्लिक सेक्टर में सीएमए की ज्यादा वैल्यू होती है। सीएमए जो है प्रैक्टिस कर सकता है, सीए भी प्रैक्टिस कर सकता है, सीए स्टेटरी ऑडिट कर सकता है जो कंपनी के ऑडिट होते हैं, सीएमए वो ऑडिट नहीं कर सकता। बाकी सब पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टैक्सेशन का काम हो, अकाउंटिंग का काम हो, कॉस्टिंग का काम हो, एनालिसिस का काम हो, जो काम सीए कर सकता है वो काम सीएम में भी कर सकता है। एजुकेशनली दोनों सेम है, तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि सीए और सीएमए में क्या फर्क है। कुछ नहीं, केवल एक मार्केट में इंपॉर्टेंस का फर्क है। सीए को प्राइवेट सेक्टर वाले ज्यादा वैल्यू करते हैं, सीएमए को रिलेटिवली कम करते हैं। पब्लिक सेक्टर में सीए और सीएमए की इक्वल ही वैल्यूएशन आंकी जाती है, पर आज कल रिलेटिवली पब्लिक सेक्टर कम होता जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल सीए की वैल्यू ज्यादा है। तो आप कहेंगे क्या सर सीएमए नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा मैं अगली स्लाइड में करूंगा, प्रोज और कॉन्स में सीएमए करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो पहले तो अपने एक बात दिमाग में ये बिठा लें कि चाहे सीएमए करें चाहे सीए करें, मोटा मोटा आपको इक्वली नॉलेज हो जाती है एकेडमिकली। हाँ, सीए में ट्रेनिंग ज्यादा है तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होने के चांसेस होते हैं जो बच्चे ट्रेनिंग सीरियसली करते हैं। कोर्स करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ऑलमोस्ट सेम है, एक फर्क है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सीए स्टेटरी ऑडिट कर सकता है कंपनियों का, सीएमए नहीं कर सकता। बाकी टैक्सेशन का काम, अकाउंटिंग का काम, एडवाइजरी का काम, स्टॉक मार्केट का काम, जितने भी आप काम गिन लीजिए वो सीए सीएमए दोनों कर सकते। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं भाई सीएमए के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। सबसे पहला सीएमए फायदा क्या है, कैन डू विद जॉब। अब जो बच्चे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और वो नौकरी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो सोल अर्निंग मेंबर ऑफ दी फैमिली है, या वो बड़े हो चुके हैं, शादीशुदा हो चुके हैं, बीवी बच्चे हैं और वो जॉब नहीं छोड़ना चाहते, पर जॉब के साथ वो एक बेहतर कोर्स करना चाहते हैं जिससे उनकी वैल्यू बढ़े अकाउंट्स के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, तो वो सीए नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीए में ट्रेनिंग होती है, जॉब छोड़नी पड़ती है, ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड बहुत कम मिलता है, हो सकता है आप अपना गुजारा ना कर पाए। पर सीएमए में ऐसा मोटा मोटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीएमए का कोर्स आप जॉब के साथ कर सकते हैं। सीएमए में दूसरा फायदा है कि प्रोस क्या है, दूसरा फायदा है कि आप किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस एंड जॉब दोनों ही आपके लिए अवेलेबल है। प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जैसे सीए कर सकते हैं, बस फर्क यह है कि सीए में स्टेटरी ऑडिट नहीं कर सकता, बाकी सारे काम सीए वाले मोटा मोटा वो कर सकता है और चाहे तो नौकरी भी कर सकता है। अगर आप बिजनेस कर सकते हैं, यूज नॉलेज इन सेल्फ बिजनेस, ऐसे बहुत से लोग हैं मैंने देखा है जो अल्टीमेटली अपना बिजनेस करते हैं और सीएमए करने से उनको अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज हो जाती है और उस नॉलेज का वो प्रयोग या उपयोग अपने बिजनेस में करते हैं। चौथा प्रो इसका यह है कि स्लाइटली, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, स्लाइटली इजियर स्लाइटली इजी इजियर देन सीए। तो अगर आप इसको सीए से कंपेयर करते हैं तो ये स्लाइटली इजियर है, उसके मुकाबले थोड़ा आसान है।
थोड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत रात दिन का फर्क है, पर उसके मुकाबले थोड़ा आसान है। तो कैन डू विद यू, कैन डू विद योर जॉब, यू कैन डू प्रैक्टिस एज वेल एज गो फॉर अ जॉब, यू कैन यूज द नॉलेज इन योर ओन बिजनेस, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, एंड इट इज रिलेटिवली और स्लाइटली इजियर देन सीए। सीए के मुकाबले थोड़ा आसान है। और इसमें एक बात और कहूं कि अगर आप सीएमए के साथ सीएस भी कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू अच्छी खासी बढ़ जाती है, तो आपकी वैल्यू हाई हो जाती है, मैं ये कहूं। तो ये कुछ प्रोज हैं सीएमए करने के लिए। जो लोग जॉब में हैं, तरक्की करना चाहते हैं, पर उनकी क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएट है या एमकॉम है तो उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, ऐसे लोगों को सीएमए का कोर्स करना चाहिए। राइट, अब इसके हम कॉन्स की चर्चा करेंगे। कॉन्स में सेल पहला तो यही कहेंगे कि भाई लेस इंपॉर्टेंट देन सीए। सीए के मुकाबले सीएमए थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है इन प्राइवेट सेक्टर। नॉर्मली हर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी अगर सीए मिल जाए तो उसको प्रेफर करती है और सेकंड प्रेफरेंस वो सीएमए को देती है। पर नहीं, एक बात मैं बोल दूं, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो हम इसको प्रोज में डाल सकते हैं, सीएमए विद गुड एक्सपीरियंस इज इक्वल टू असी। लेकिन अगर आपके पास जब अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, नॉलेज हो जाती है, आप अच्छी कंपनी में काम कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू लगभग सीए जैसी ही हो जाती है। अदरवाइज ये थोड़ा सा इसका हम कहेंगे कौन है कि भाई कौन में आता है ये कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है लेस इंपॉर्टेंट देन सीए इन प्राइवेट सेक्टर। दूसरा, कैनॉट डू स्टैट्यूटरी ऑडिट। जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो सीएमए नहीं कर सकता, ये उसका एक कॉन्स हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो प्रोज और कॉन्स है। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने दो टूक बताया आपको, बिल्कुल इधर उधर घुमाया नहीं है, दो टूक जवाब दे दिया कि भाई सीएमए और सीएमए मोटा मोटा क्या फर्क है और सीएमए करने के क्या प्रोज है क्या कॉन्स है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको किसी और चीज पे वीडियो बनानी हो बनवानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वेस्ट भेजें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और उस पर वीडियो जरूर जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद।